हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की बात करने वाला हूं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक डेटा टाइप होता है, अब देखिए डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं उसको भी दिखाता हूं। यहां पर देखिए एक्सेस हमें ओपन करना है और 2007 ही चलाऊंगा, तो यहाँ पे 2007 ओपन किया। अब ये इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे व्यू, यहाँ से व्यू पे जाइएगा और डिजाइन व्यू पे आ जाएगा। जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे यहाँ पर आपको नाम लिखना है, तो नाम क्या लिखेंगे, तो इस टेबल का जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे नाम दे दिया माय टेबल, तो ये लिख दिया माय टेबल, तो ये माय टेबल के नाम से सेव हो जाएगा। आप जो भी नाम देंगे उसके नाम से सेव हो जाएगा। अब ये तो प्राइमरी की होती है, ये मैंने पहले ही बता रखा है, ये प्राइमरी की होती है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, यानी कि ये यूनिक वैल्यू ही कंटेन करेगा, रिपीटेड वैल्यू कभी नहीं लेगा ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करना है, अब यहां पर हमें डालना है नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमने लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पर ये जो फील्ड है ना आईडी वाली, ये ऑटो नंबर आ रहा है, तो क्या इसमें कुछ सेटिंग करी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सेटिंग करी जा सकती है। और ये कैसे कैसे होगा सेटिंग, तो यहां पर आपको मिलता है फील्ड प्रॉपर्टीज, तो यहां पर आना है और यहां पर आपको क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए आप शुरू करना चाहते हैं ए नंबर से, ए से शुरू करना चाहते हैं, एल से, बी से, किसी भी अल्फाबेट से शुरू करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप के से शुरू करना चाहते हैं, तो यहां लिखा के, जैसे आपके कंपनी का नाम के से स्टार्ट होता हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो ये के लिख दिया। फिर यहां लिख दिया 01, बस K01 लिख करके एक बार टैब प्रेस कर दीजिएगा। टैब नाम का बटन आपको बहुत ही लेफ्ट साइड में ऊपर मिल जाएगा आपको कीबोर्ड में, तो ये टैब प्रेस कर दिया, तो यहां पे स्लैश लग गया, अपने आप देख सकते हैं स्लैश लग गया है। अब यहां से इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, ये जो दिख रहा है व्यू उसी पे, तो क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहां प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं मस्टर्ड ऑयल, ये लिखा मस्टर्ड ओआईएल ऑयल, तो ये देखिए यहां पर K11 आ रहा है, अपने आप आ रहा है। देखिए अब यहां पे दूसरा प्रोडक्ट एंटर करता हूं, देखते हैं क्या होता है। यहां पे लिखा है SUGAR शुगर, तो देखिए 21 आ रहा है, 10-10 के गैप पे ये प्रिंट हो रहा है। फिर देखिए मैं यहां पे फिर करता हूं, एक और प्रोडक्ट का नाम मैं यहां पे लिखता हूं लाइक PULSE पल्स कर दिया, और पल्स यहां पे करेंगे तो देखिए यहां पे 31 आ गया, यानी 10-10 के गैप पर, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही RICE राइस, तो देखिए 10-10 के गैप पे प्रिंट हो रहा है। अगर कुछ और भी चेंजेस चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए K0 किया हमने यहां पे ना, तो कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे K01 किया था तो K02 कर देते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है K02 करने से। तो यहां पे ओके किया, तो यहां पे देखिए K12 आ रहा है, यहां पे देख सकते हैं ये K12 आ रहा है, फिर 22 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है, इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे ऑटो नंबर को सेट कर सकते हैं आप अपने ही, जैसे आप चाहते हैं वैसा सेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूनिक वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अगर प्राइमरी की बनाया है तो प्राइमरी की यूनिक होता है, तो यूनिक वैल्यू ही कंटेन करे, ये भी बात आप ध्यान देंगे, ठीक है ना।